हाय फ्रेंड, आशा करते हैं आप सब ठीक है। आपके सारे बात भी बहुत अच्छे। आज मैं मेरा सिपाइट केज सेटअप में आया हूँ। कुछ विटामिन देना है आपको, दिखाना है कि विंटर में आप कौन से विटामिन दे सकते हो। मैं तो ज़्यादा कुछ विटामिन नहीं यूज़ करता, लेकिन अभी जो इतना ठंड पड़ रही है इसकी वजह से मेरे सेटअप में कुछ विटामिन डालने का ज़रूरत हो रही है, क्योंकि विटामिन जो है ना वो बाहर से शरीर को बहुत अंदर से हीट करता है, इसलिए शरीर को गर्म करता है। इसलिए आपको विंटर में एक दो दिन चार दिन विटामिन यूज़ करना चाहिए। इसलिए मैं भी थोड़ा विटामिन यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली एक केज में, कॉलोनी में मैं विटामिन नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो केज में मैं विटामिन यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा विटामिन डालूँगा वो भी दिखाऊँगा आपको। पहले जो विटामिन मैं डालूँगा उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत कॉमन सा एक विटामिन है, रिकोविट है, ठीक है, रिकोविट। और मेरे पास वाइमिनल भी रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वाइमिनल है, ये वाइमिनल है। लेकिन मैं वाइमिनल तो अभी ठंड में वाइमिनल नहीं डालूँगा, क्योंकि वाइमिनल तो बहुत अच्छा मल्टी विटामिन है, लेकिन इसमें बास का शरीर का उतना हीट नहीं होता। ये ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये वाइमिनल देने से बास बहुत अच्छा ब्रीडिंग करता है। लेकिन अभी की विंटर के सीजन में ठंड में आपको वाइमिनल देने का कोई ज़रूरत नहीं। आप ये रिकोविट ले सकते हैं मार्केट से, मैं भी खरीद लिया, लेके आया हूँ। मेरे खुद का दुकान है, मैं एक जगह काम करता हूँ वहाँ से लेके आया हूँ ये रिकोविट। मुझे तो इतना देख सकते हैं यहाँ पर MRP है 80 रुपीज़, लेकिन मुझे तो इतना 80 रुपीज़ में 80 रुपीज़ नहीं लगा, थोड़ा कम ही लगा। वो मैं आपको नहीं बता सकता कितने में पड़ा, लेकिन ये रिकोविट है, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है ठंड में बास को देने के लिए, बास के शरीर को हीट करने के लिए। तो चलिए, ये देख सकते हैं सारा बर्तन, पानी का बर्तन, ये सिपाइट केज का मैंने बाहर निकाल के दिया था, रात में बाहर निकाल दिया था। अभी मैं इसमें पानी डालूँगा और थोड़ा थोड़ा करके मल्टीविटामिन भी डाल दूँगा। ये जो है मैंने एक ड्रॉपर भी लाया, तो अभी मैं इससे लेके, अब दो चीज़ दो तरीके से अपने बाट्स को दे सकते हैं। ये हर एक जो पानी का है, पानी हर एक इसमें दो ड्रॉप करके दे सकते हैं। और एक दूसरा चीज़ है, आप जिस ये एक लीटर पानी में 5 ml डाल सकते हैं, कोई भी एक तरह से आप डाल सकते हैं। ये 5 ml इस एक कटोरी, ये एक लीटर पानी है, एक लीटर पानी में मिक्स करके सारे कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो। और एक है कि पानी आप डाल दो और इसमें एक दो दो ड्रॉप करके डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसमें नहीं डालूँगा, मैं इसमें मिक्स करके मेरे सारे बार्स को डालूँगा। तो चलिए पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये जो विटामिन है बहुत गाढ़ा है, ये आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वाइमिनल जो हम यूज़ करते हैं, वाइमिनल थोड़ा हल्का है, ये लिक्विड टाइप का है, लेकिन ये बहुत गाढ़ा है, देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, ठीक है। ये आपका थोड़ा कम डालने से ही काम हो जाएगा। वाइमिनल आपको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि वो लिक्विड टाइप का है और ये है एकदम गाढ़ा टाइप का। तो चलिए मेरा इस स्टेप में मैं डाल देता हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। लेकिन और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आप सोच रहे हैं कि एक दिन डाल लूँगा तो हो जाएगा, तो एक दिन नहीं, आपको 3 से 4 डेज, 4 से 5 दिन डालना होगा, ठीक है। हर रोज़ सुबह 4 से 5 दिन डालना होगा, नहीं तो आपका बात इस ठंड जो इतना पड़ रही है इसमें थोड़ा कमज़ोर हो सकती है। इसलिए आप जब भी मल्टीविटामिन कोई डालो, आप वाइमिनल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप मैं सिर्फ विंटर के लिए मैं रिकोविट सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि वाइमिनल तो बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन वो ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रिकोविट जो है ना वो बास के शरीर को अंदर से गर्म करता है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, बास के ग्रोथ के लिए अच्छा है। इसलिए मैं रिकोविट भी रिकमेंड कर रहा हूँ अभी ठंड में, कि मैं तो रिकोविट पहले यूज़ करता था, अभी नहीं यूज़ किया।
अभी कल ही ले आया क्योंकि ये ठंड पड़ रही है ज़्यादा, इसलिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहला जो बात मैं आपको हर एक वीडियो में कह देता हूँ कि आप ज़रूर रात में पानी बाहर निकाल दें और सुबह थोड़ा सा पानी में मेडिसिन डालें। तो देख सकते हैं मैं कितना थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ अपने वाट्स को, ये काफ़ी नहीं होगा, ठीक है। दोपहर में मुझे दोबारा से पानी डालना पड़ेगा सारे वाट्स को, लेकिन मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ पानी में वो सारे वाट्स अच्छी तरह से खा ले, इसलिए मुझे थोड़ा सा ही पानी डालना पड़ेगा। देख सकते हैं कितना थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, ठीक है। आपको भी ऐसा डालना पड़ेगा, ज़्यादा डालेंगे तो मेडिसिन जाया होगा, पानी गंदा होगा, पानी फेंक देना पड़ेगा, मेडिसिन का जाया होगा। इसलिए आप जितना हो सके और तो कम पानी डालें और रात में पानी को बाहर निकाल दें। तो चलिए अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं सारा केस में डाल दूँगा इस तरह से। तो आप लोग भी यूज़ करना रिकोफिट अभी ठंड के मौसम के लिए, उसके बाद तो मैं भाईमराल यूज़ करता हूँ, वो भी एक वीडियो में दिखा देंगे। और कोई क्वेश्चन होगी तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक दे देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।